वेलकम टू आवर चैनल रंजना स्टडी सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का ये वीडियो में वेस्ट बंगाल क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ। आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हो सकता है, क्योंकि ये जो है इंग्लिश जो है सभी में कॉमन रखता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कितने नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 11 आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अंत तक हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इंग्लिश मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का ये वीडियो है। तो आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि इंग्लिश के लिए इंग्लिश में आप लोगों को क्लास 11 में दो बुक दिया जाएगा। एक बुक का नाम है माइंडस्केप्स और एक बुक का नाम है रैपिड रीडर। तो माइंडस्केप जो बुक होगा उसमें आप लोगों को कुल 5 प्रोज है, कहानी 5 है, 5 पोएट्री यानी कविता 5 है। उन 5 लेसन को आप लोगों को पढ़ना है, यानी 5-5 10 लेसन को आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं एक नंबर जो प्रोज है, जो कहानी का सेक्शन है, वो माइंडस्केप बुक से आप लोगों को 5 कहानी पढ़ेंगे तो उसमें से 5 MCQ आएगा, यानी टिक मार्क 5 नंबर का आएगा। 5 SAQ यानी एक लाइन में या दो लाइन में उत्तर देने वाला आंसर आएगा। 5 यानी 5 MCQ 5 SAQ आएगा और लॉन्ग आंसर यानी कि 5-5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन करने होंगे। आएंगे आप लोगों का 5 क्वेश्चन लेकिन करने होंगे केवल 2 क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। तो इस प्रकार 5 MCQ 5 SAQ और 2 लॉन्ग क्वेश्चन कहानी से होगा और कुल 20 नंबर जो है वो कहानी से आप लोगों का आएगा। उसी तरह का सेम प्रोसेस 2 नंबर देख सकते हैं पोइट्री, जो पोइट्री स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, पोइट्री जो है आप लोगों का यानी कि कविता है, जो माइंडस्केप बुक में 5 कविताएं हैं ये 5 पढ़ने हैं, जिसमें से एग्जाम में 5 MCQ आएंगे, 5 SAQ यानी एक नंबर वाला आंसर आएगा और लॉन्ग आंसर यानी कि 5-5 नंबर वाले आंसर 2 आएंगे क्वेश्चन आंसर, यानी कुल 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें से कोई 2 करना है। तो कुल मिलाकर 5 MCQ 5 SAQ और 2 लॉन्ग यानी कि 20 नंबर। तो 20 नंबर का आप लोगों का कहानी से आएगा और 20 नंबर का कविता से आएगा, यानी कुल 40 नंबर का जो आप लोगों का क्वेश्चन आंसर है वो माइंडस्केप जो बुक है उसमें से आप लोगों का आएगा। उसके बाद जो दूसरा बुक है रैपिड रीडर इंग्लिश का, उस रैपिड रीडर से उसमें भी 5 लेसन है जिसमें से 5 MCQ आएंगे और एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 5 MCQ और एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि कुल 10 नंबर जो है रैपिड रीडर बुक से आएंगे। 40 नंबर आएंगे माइंडस्केप बुक, एक जो किताब है इंग्लिश का पहला किताब माइंडस्केप उससे 40 नंबर का, और एक किताब है रैपिड रीडर उससे 10 नंबर का, यानी कुल 50 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को यहां से देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो बात करूं अगर कि इसके बाद जो चौथा पोर्शन होगा, तो 50 नंबर तो आप लोगों का लेसन से हो गया दोनों किताब मिला के, दोनों बुक मिला के। उसके बाद चौथा है ग्रामर का सेक्शन, ग्रामर से आप लोगों का 10 नंबर एग्जाम में आएगा, जिसमें सभी प्रकार के वॉइस चेंज होंगे, नरेशंस होंगे, सेंटेंस होंगे, ये सारा चीज़ मिला के कुल 10 नंबर का आप लोगों का आएगा। उसके बाद 5वां नंबर है पैराग्राफ या स्टोरी। पैराग्राफ राइटिंग आप लोगों ने क्लास 10 में भी किया है और स्टोरी राइटिंग भी क्लास 10 में किया है, तो पैराग्राफ या स्टोरी राइटिंग दोनों आएगा। करना है कोई एक क्वेश्चन जिसका नंबर होगा 10, यानी कि 50 नंबर का लेसन आएंगे, 10 नंबर का ग्रामर 60, 10 का आएगा पैराग्राफ या स्टोरी 70 हो गया, और आखिरी जो 10 नंबर है वो है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट और कमर्शियल लिफलेट ये आप लोगों का जो है एडवर्टीजमेंट यानी प्रचार करने का, मान लीजिए कोई न्यू दुकान, न्यू शोरूम, न्यू स्कूल, न्यू कंप्यूटर सेंटर खुल रहा है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट या कमर्शियल लिफलेट आप लोगों को बनाना है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों 5-5 नंबर के आएंगे यानी कि 10 नंबर के ही है। तो कुल मिलाकर आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि 50 नंबर का इंग्लिश में 50 नंबर का लेसन से आएंगे, 10 का आप लोगों का ग्रामर आएगा और 20 नंबर का राइटिंग स्किल आएगा। कुल 80 नंबर का आप लोगों का ये एग्ज़ाम का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन पैटर्न जो कहाँ से कितने नंबर का आएगा ये मैंने आप लोगों को बताया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी मैं सभी क्वेश्चन, सभी जो सब्जेक्ट हैं उसका जो क्वेश्चन पैटर्न है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आप लोगों को अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। और डेली जो है क्लास 11 12 का हर एक सब्जेक्ट का एक या दो वीडियो आप लोगों को चैनल के द्वारा प्रोवाइड करूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए और ज़रूर देखते रहें चैनल को। धन्यवाद।